दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे वुमेन्स बिग बैश लीग T20 टूर्नामेंट के एक और मुकाबले के बारे में जो खेला जाएगा पर्थ कोचर्स वर्सेस मेलबर्न रेजिडेंस के बीच में। अगर पिच के बारे में बात करें तो वैसे तो दोस्तों पूरी तरह से न्यूट्रल विकेट है, लेकिन अभी दोस्तों वहां पर बारिश वाला वेदर है, ओवरकास्ट कंडीशन है, तो एक्स्ट्रा सपोर्ट है वो गेंदबाजों को मिल सकता है। तो दोस्तों आप अपनी टीम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑलराउंडर प्लेयर्स और जो बॉलर्स हैं उनको कवर करके चल सकते हैं। तो सबसे पहले मेलबर्न रेजिडेंस के बारे में बात करें तो दो मुकाबले खेले हैं, पहला मुकाबला 6 विकेट से विन किया था और दूसरा मुकाबला ये 8 विकेट से हार कर आए हैं। टीम की ओर से शोफी मोनिलैक्स और दोस्तों जेमी रोड्रिज आपको ओपन करती नजर आएगी। मोनिलैक्स ने पहले मैच में 16, दूसरे मैच में 9 रन बनाए। बैटिंग के अलावा 3 से 4 और बॉलिंग भी करने वाली है। पहले मैच में 2 विकेट निकाले, लास्ट मैच में दोस्तों विकेट इनको नहीं मिला, लेकिन दोस्तों काफी अच्छी और इंपॉर्टेंट पिक है। बैट और बॉल दोनों में आपको अच्छे पॉइंट दिलवा सकती है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन में भी एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। रोड्रिज एक एग्रेसिव टाइप के बल्लेबाज दोस्तों, इंडिया की स्टार परफॉर्मर प्लेयर हैं। पहले मैच में 33 बनाए थे, दूसरे मैच में 13 बनाए, तो थोड़ा सा जल्दबाजी कर जाती है दोस्तों, कई बार रन बना देती है, कई बार आउट भी हो जाती है, जो रिसेंट वो आप यहां पे देख लीजिएगा। और ओवरऑल आप देखोगे तो 27 का बैटिंग एवरेज है, तो कभी भी 25-30 आपको बना के दे सकती है। इनके बाद कार्टनी वेब है, वन डाउन बैटिंग करेगी। पहले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की, 31 बनाए, लास्ट मैच में सिर्फ 1 रन बनाया। बैटिंग के अलावा पार्ट टाइम गेंदबाज है, पहले मैच में दोस्तों बॉलिंग वगैरह नहीं करवाई थी, लास्ट मैच में 1 ओवर डाला, 6 रन, कोई विकेट नहीं मिला। और इनका जो रिसेंट और ओवरऑल रिकॉर्ड है दोस्तों वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। हरमनप्रीत कौर इंडिया की जबरदस्त ऑलराउंडर प्लेयर, बैटिंग में भी दोस्तों नंबर 4 पे बैटिंग कर रही है। पहले मैच में 24, दूसरे मैच में 41 बनाए और बॉलिंग में 3 से 4 ओवर डालेगी और अब तक 2 मैच में दोस्तों 2 विकेट निकाल चुकी है। तो हरमनप्रीत बैट और बॉल दोनों में बिल्कुल बेस्ट पिक है, जिनको आप अपनी टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। इनके बाद एविलियन जोन्स है, नंबर 5 पे बैटिंग कर रही है। पहले मैच में 4 बनाए थे, दूसरे मैच में काफी अच्छा कमबैक किया और 36 रन बनाए। बैटिंग के अलावा ये भी दोस्तों पार्ट टाइम बॉलिंग करवा रही है, पहले मैच में बॉलिंग नहीं की, लास्ट मैच में 1 ओवर डाला, 12 रन खर्च के, कोई विकेट इनको नहीं मिला। इनके बाद जे डैफिन एवरेज परफॉर्मर के बल्लेबाज है, कभी रन बनाती है कभी नहीं बनाती, लेकिन दोस्तों इंटरनेशनल लेवल में देखोगे तो 21 का एवरेज है और बिग बैश में 32 का एवरेज है, तो कभी भी बड़े रन लगा सकती है। तो हाई रिस्क की टीम में दोस्तों आप इनको जरूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर विकेट जल्दी गिरेंगे तो उस कंडीशन में उनके पास टाइम बच जाएगा रन बनाने का, तो कभी भी 25-30 रन ये बना सकती है। इनके बाद गोर्जिया वारेहम है, नंबर 6 और 7 पे बैटिंग करती है। बैटिंग हालांकि इतना ज़्यादा खास नहीं रहती, लेकिन फिर भी आप देखोगे बिग बैश में 25 का एवरेज है, तो कभी भी 15-20 रन बना सकती है। पहले मैच में 5, दूसरे मैच में 13 बनाए थे। बॉलिंग दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त करती है, पहले मैच में 3 विकेट और लास्ट मैच में 3 ओवर में 13 रन, कोई विकेट इनको नहीं मिला। लेकिन दोस्तों गेम चेंजर प्लेयर है, खास करके अगर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगी तो ज़बरदस्त विकेट निकाल के दे सकती है, तो ग्रैंड लीग में आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप इनको बना सकते हैं। जोशी डूले का अभी तक कोई खास योगदान नहीं रहा, ओवरऑल 22 का एवरेज है, लेकिन रिसेंट देखोगे तो काफी खराब चल रहा है। एक मैच में खेली वहां पर 1 रन बनाया था। कार्ली लेसन है, इनकी भी दोस्तों बैटिंग काफी लेट आती है, तो बैटिंग से कोई खास उम्मीद नहीं रहेगी। बॉलिंग में 2 से 3 ओवर डाल रही है, पहले मैच में 2 ओवर, 20 रन, 1 विकेट था, लास्ट मैच में 3 ओवर में 22 रन खर्च के, कोई विकेट इनको नहीं मिला। होली फेयरलिंग है दोस्तों, बॉलिंग में पार्ट टाइम के तौर पर एक भूमिका निभा रही है। पहले मैच में 3 ओवर डाले थे, 22 रन, कोई विकेट नहीं, लास्ट मैच में सिर्फ 1 ओवर डलवाया, 12 रन खर्च के, विकेट इनको नहीं मिला। ओवरऑल बिग बैश लीग में 151 ओवर बॉलिंग करती हुई 43 विकेट इनके नाम है। इनके बाद इली फलोकर हैं, पहले मैच में 4 ओवर कंप्लीट डाले, 29 रन खर्च के, 1 विकेट निकाला, लास्ट मैच में 1 ओवर डाला था, 14 रन खर्च के और दोस्तों 1 विकेट टीम को निकाल के दिया। रिसेंट आप देखोगे दोस्तों अदर ओडी मैचेस का, तो 5 मैच में से 1 ही मैच में 4 विकेट हैं, बाकी के 4 मैच में ये विकेट लेस रही है। बैंस के प्लेयर को लेकर जो भी चेंज वगैरह होगा उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में, और टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम बात करें पर्थ कोचर्स के बारे में, तो दोस्तों उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो भाई की मेहनत और मोटिवेशन के लिए एक लाइक ज़रूर कर दें, और हर फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर से ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों पर्थ कोचर्स की जो टीम है उसने पहला मुकाबला सुपर ओवर में 2 रन से विन किया था और दूसरा मुकाबला ये 59 रन से हार कर आए हैं। टीम की ओर से शोफी डिवाइन और बैथ मुनी आपको ओपन करते नजर आएगी। शोफी डिवाइन दोस्तों वो ज़बरदस्त ऑलराउंडर प्लेयर हैं, रैंकिंग में हमेशा टॉप में रहती है। पहले मैच में 19 और दूसरे मैच में 18 बनाए थे। बॉलिंग में भी दोस्तों 3 से 4 ओवर लगभग बॉलिंग करके देगी और अब तक 2 विकेट बॉलिंग में निकाल चुकी है। तो डिवाइन बैट और बॉल दोनों में सबसे बेस्ट पिक है, कैप्टन वाइस कैप्टन आप बना सकते हैं।
बैथ मुनी भी दोस्तों ज़बरदस्त प्लेयर है, अच्छी फॉर्म में भी चल रही है। पहले मैच में 40 बनाए थे लेकिन दूसरे मैच में जल्दबाजी में अपना विकेट को 0 रन पे गवा दिया। लेकिन दोस्तों स्टार परफॉर्मर बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया की ओर से हमेशा अच्छे प्रदर्शन के लिए जाने जाती है, तो इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, ज़रूर आप ट्राई करके चल सकते हैं। इनके बाद दोस्तों चामरी अट्टापट्टू श्रीलंका की दोस्तों स्टार परफॉर्मर प्लेयर हैं। हालांकि दोस्तों अभी जो टीम है ये इनसे बॉलिंग वगैरह नहीं करवा रही, लेकिन दोस्तों अट्टापट्टू है वो बैटिंग भी अच्छी कर लेती है। रिसेंट में 44-67 जैसे रन भी ये बना कर आई है, तो कभी भी बड़े रन लगा सकती है। यहाँ पर पहले मैच में 14, दूसरे मैच में 11 बनाए थे, लेकिन गेम चेंजर प्लेयर है, बिल्कुल मिस मत करना। इनके बाद एम कैप है, वैसे तो दोस्तों ज़बरदस्त ऑलराउंडर प्लेयर है, लेकिन अभी थोड़ा सा नाम के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं चल रहा है। बैटिंग भी दोनों मैच में फ्लॉप हुई है, 9 ओवर 6 बनाया है, और बॉलिंग में दोस्तों 4-4 ओवर डाल रहे हैं, 8 ओवर बॉलिंग करती है दोस्तों, अभी तक सिर्फ 1 विकेट ये निकाल पाई है। ग्रैंडलिंग में दोस्तों एम कैप आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक है, कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर बना के रखना। इनके बाद दोस्तों हैदर ग्रहम है, पहले मैच में 6 रन बनाए थे, बॉलिंग नहीं की, दूसरे मैच में 17 रन बनाए, और दोस्तों दूसरे मैच में इन्होंने 4 ओवर कंप्लीट डाले और 15 रन खर्च करके 2 विकेट निकाले। तो दोस्तों ग्रहम भी एक इंपॉर्टेंट पिक है, कभी भी रन भी लगा सकती है, बॉलिंग भी अच्छी करती है। इनके बाद पिपारो नंबर 6 और 7 पे दोस्तों बैटिंग आती है, पहले मैच में 20 रन बनाए थे, दूसरे मैच में 10, ओवरऑल रिकॉर्ड दोस्तों इतना अच्छा नहीं है, सिर्फ 11 का बैटिंग एवरेज है। इनके बाद माथिल्डा करिमचाले नंबर 7 और 8 पे बैटिंग कर रही है, पहले मैच में 5 और दूसरे मैच में 9 रन बनाए थे। इनके बाद एलाना किंग दोस्तों अच्छी विकेट टैकर गेंदबाज है, इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छी रही है, और 2 मैच में दोस्तों अब तक 3 विकेट निकाल चुकी है, तो बॉलिंग के दम पर बिल्कुल बेस्ट पिक रहने वाली है। लिली मेल्स है दोस्तों, 4 ओवर डाले पहले मैच में, 28 रन खर्च किए और 3 विकेट भी निकाले, लेकिन लास्ट मैच में दोस्तों 1 ओवर टीम ने इनसे डलवाया था, जिसमें उन्होंने 12 रन खर्च किए और दोस्तों कोई विकेट इनको नहीं मिला। टी पास चेले हैं, पहले मैच में 2 ओवर 22 रन 0 विकेट, और लास्ट मैच में 2 ओवर में 27 रन, कोई विकेट नहीं मिला। समानता बैट्स है, पहले मैच में 1 ओवर 9 रन 0 विकेट, लास्ट मैच में 1 ओवर में 13 रन खर्च करके 1 विकेट निकाला। बैचेस के प्लेयर को लेकर जो भी चेंज वगैरह होगा दोस्तों उसकी अपडेट आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम में। तो दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको वीडियो के नीचे भी मिलेगा। अगर लिंक बाय द वे काम ना करे तो आप टेलीग्राम में जाके भी मैं सर्च कर सकते हैं, आपको टाइप करना है WGF24 और सर्च करके जुड़ जाना है टेलीग्राम के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं हमारी डेमो टीम के बारे में। तो विकेट कीपिंग में बैथ मुनी बिल्कुल सेफ और बिल्कुल बेस्ट पिक रहेगी। अब यहाँ से बैटिंग में दोस्तों रोड्रिज, अट्टापट्टू और दोस्तों सी वेब तीनों को मैंने ट्राई किया है, आप चाहें तो वेब की जगह पिपारो के साथ भी जा सकते हैं, दोनों के दोनों दोस्तों एक जैसे ही ऑप्शन हैं। इनके बाद दोस्तों यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन में सोफी डिवाइन, हरमनप्रीत कौर, मोनिलैक्स और दोस्तों एस ग्रैम चारों इंपॉर्टेंट पिक हैं, लेकिन दोस्तों एम कैप को भी आप हल्के में नहीं ले सकते, नंबर 4 पे बैटिंग करेगी और 4 ओवर लगभग कंप्लीट बॉलिंग भी करने वाली है, तो कभी भी आपके लिए गेम चेंजर प्लेयर बन सकती है। तो बैकअप में दोस्तों एक टीम में रखकर आप इनको सीधा कैप्टन वाइस कैप्टन बना लीजिएगा, कभी भी आपके लिए गेम चेंजर प्लेयर बन सकती है। बॉलिंग डिपार्टमेंट में दोस्तों जी वारियम को अभी के लिए मैंने यहाँ पर ट्राई किया है। इनके बाद दोस्तों क्रेडिट मेंटेन करने के लिए मैं ई फलोकनर और एल मिल्स को यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ से ए किंग है दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेंदबाज है, अगर क्रेडिट मेंटेन होंगे तो हम यहाँ से दोस्तों ए किंग को जरूर अपनी टीम में ट्राई करना चाहेंगे। अब दोस्तों बात रही कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन तो दोस्तों सोफी डिवाइन ही बिल्कुल बेस्ट है। वाइस कैप्टन में दोस्तों स्मॉल लीग में अपने लिए हरमनप्रीत कौर, सोफी मोनिलैक्स दोनों बेस्ट पिक है, और ग्रैंड लीग में जी वारियम और एस ग्रैम के साथ आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। बाकी ग्रैंड लीग में बैथ मुनी और दोस्तों यहाँ से अट्टापट्टू भी आपके लिए अच्छी चॉइस बन सकती है। बाकी हमारी जो फाइनल टीम है दोस्तों वो पूरी तरह टॉस पे डिपेंड रहेगी, और टॉस के बाद जो भी फाइनल टीम होगी चाहे स्मॉल लीग की हो या ग्रैंड लीग की, वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम में जरूर से जरूर जाना, लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।